स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करना होता है, क्योंकि यह रोग से मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता। इस रोग में अक्सर व्यक्ति हर चीज भूल जाता है। कई लोग अपने आप तक को नहीं पहचान पाते और अपना नाम भी भूल जाते हैं। यह रोग जो कभी 65 से 70 साल के उम्र वालों को हुआ करता था, वही बदलते दौर में अब 40 से 50 की उम्र वालों को भी होने लगा है। इस रोग के सटीक कारणों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, परंतु जब दिमाग में प्रोटीन की संरचना में गड़बड़ी होती है, तब यह रोग का खतरा बढ़ने लगता है। अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिसके कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। इस रोग में मस्तिष्क से न्यूरॉन, जो कि तंत्रिका कोशिका है जो सभी संदेश मस्तिष्क तक ले जाती है, का संपर्क टूटने लगता है। चलिए जानते हैं इस रोग के प्रमुख लक्षणों को। इस रोग में याददाश्त की कमी होने लगती है, बोलने में परेशानी होने लगती है, छोटी बड़ी चीजें याद रख पाना मुश्किल होता है, दिमाग का अस्थिर होना होता है, किसी पर विश्वास रोगी नहीं करता और रोगी को निर्णय लेने की क्षमता कम होने लगती है। इस रोग की पहचान करने के लिए डॉक्टरों द्वारा शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल परीक्षा और मांसपेशियों की ताकत का आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। इस दिमागी रोग के इलाज को लेकर नई उम्मीद जागी है। 20 सालों में पहली बार अमेरिका में इस बीमारी का इलाज करने वाली दवा को मंजूरी मिली है। ब्रिटेन में भी इसका ट्रायल सफल हुआ है। इस दवा का नाम है एडुकानुमैब। यह रोग को कम करने में मदद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में।